हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ यूनिस्टेड, जो कि एब्रीविएशन है जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेज ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आज आप इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानेंगे, जैसे यूनिस्टेड क्या है, ये QI की कोई ना कोई पर्पज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड इसमें कितने कंट्रीज मेंबर हैं, मेंबरशिप के बारे में पता करेंगे, कॉन्फ्रेंसिस के बारे में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी मैं आपको कराऊंगी सारा करंट डाटा के अकॉर्डिंग कराऊंगी, तो इसलिए जो भी आपको नॉलेज मिलेगी वो अप टू डेट मिलेगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप नेट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि WTO में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने कंट्रीज ने मेंबरशिप ली हुई है WTO में, और आपको ऑप्शंस दे दिए 124, 153, 160 एंड 164। तो जिन बच्चों ने करंट डाटा नहीं पढ़ा तो बच्चे क्या करके आएंगे, टिक 153 पे, क्योंकि मई 2009 में जो कंट्रीज की मेंबरशिप थी वे 153 तक इंक्रीज हो गई थी, राइट। तो यहाँ पर वही बात आ गई, लेकिन वे आपका आंसर की जब आएगी तो आपको वे क्वेश्चन उसमें गलत मिलेगा, क्योंकि करंट डाटा के अकॉर्डिंग जो मेंबरशिप है वे 153 नहीं रहकर 164, यानी 164 कंट्रीज जो है अब WTO की मेंबर है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वे 164 होगा, और जो 164 पर टिक करके आएंगे देन आंसर की के अकॉर्डिंग आपको भी आंसर ठीक मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको सारा का सारा करंट डाटा के अकॉर्डिंग कराऊंगी, एंड ये चीज़ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जो भी मेरा मैटर रहेगा वह बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिस्टेड जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसिस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये नाम से ही क्लियर है कि कॉन्फ्रेंसिस रखी गई थी, उन कॉन्फ्रेंसिस के बेसिस पे UN ने यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिसकी जो फॉर्मेशन है वह 30 दिसंबर 1964 को हुई है, इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, एंड इसके जो हेड है दैट इज सेक्रेटरी जनरल वे कौन है, डॉक्टर मुखीसा कितिवी। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इसकी जो फॉर्मेशन है वह 30 दिसंबर 1964 को हुई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो आप उस पूरी हिस्ट्री को पढ़ने के बजाय जितना मैं आपको इसमें कराऊंगी वह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, सुनिए, डेवलपिंग कंट्रीज जो है, लाइक आप इंडिया लगा लीजिए, डेवलपिंग कंट्री है, तो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कहाँ पर, कैरो में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 1962 में जुलाई में, जिसको हम कैरो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रही है कंट्रीज, वे सारी की सारी प्रॉब्लम्स इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस की गई थी, ठीक है। एंड इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डिक्लेरेशन पास हुआ था जिसे हम कैरो डिक्लेरेशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज भी कहते हैं, एंड ITO दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट हुआ था। एंड इन अगस्त 1962 के अंदर UNO ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, टू कन्वेंट कॉन्फ्रेंस, की कॉन्फ्रेंस रखी जाए ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर जो UNO है वे एग्री हो गया था कि हमें एक कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो सारी की सारी जितनी भी डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखकर जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस रखी गई, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस थी, जो कि UN यूनाइटेड नेशन ने जिनेवा के अंदर 1964 में, जो कि आप देख ही रहे 30 दिसंबर 1964, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखी गई फर्स्ट टाइम ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसका क्या नाम पड़ गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो सारी की सारी हिस्ट्री इसके पीछे यही है, और आपको मेन इतना याद रखना है कि ये जो शुरुआत हुई थी ये कैरो कॉन्फ्रेंस से हुई थी, जो कि 1962 में थी, एंड वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई, एंड अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया, अल्टीमेट रिजल्ट ये था कि जो कॉन्फ्रेंस है ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जिस पे एग्री हो गए थे रखने के लिए, वो जिनेवा में रखी गई थी, जिसका नाम रखा गया यूनिस्टेड। क्लियर। तो जो यूनिस्टेड है, जैसे कि आपने, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कैरो कॉन्फ्रेंस को ही ध्यान में रखना है, एंड उसके बेसिस पे इसका ये नाम पड़ा,
एंड यूनेस्टेड जो थी वे किस लिए आई है, अब ये सुनिए आप ध्यान से, कि ये जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों ही ज़्यादा जो काम कर रहे थे वो डेवलप्ड नेशंस के लिए कर रहे थे. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हुआ कि हमें इनसे इतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा जितना कि डेवलप्ड नेशंस को बेनिफिट मिल रहा है. तो इसीलिए इन्होंने रियलाइज़ किया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे फेवर के बारे में, हमारे बेनिफिट के बारे में सोचे, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में सोचे. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखे हुए जो यूनेस्टेड है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूनेस्टेड को फॉर्म किया, उनको बनाया. ठीक है, तो इसमें मेन यही चीज़ थी. एंड इसके जो मेंबर्स हैं यूनेस्टेड के, 195 मेंबर्स हैं. एंड ये थोड़ा टॉपिक लार्ज है मेंबरशिप का, इसको मैं एट द एंड वीडियो पूरा का पूरा डिस्कस करूँगी मेंबरशिप का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा. लेकिन इससे पहले हम कुछ और ज़रूरी बातें करेंगे. देखिए, तो जैसे कि आप देख ही रहे, यूनेस्टेड केम ओनली विद द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. सो टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड एंड लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, UN ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड यूनेस्टेड. अब देखिए जी, यूनेस्टेड है वे तीन एरियाज पर ज़्यादा कंसनट्रेट करती है. सबसे पहले ट्रेड रिलेटेड, देन इन्वेस्टमेंट एंड देन डेवलपमेंट. कि यानी इन तीनों चीज़ों के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वे डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो करे, प्रोग्रेस करे. तो जितनी भी पॉलिसीज जो फॉर्मुलेट करेगी यूनेस्टेड, वे सारी की सारी पॉलिसीज इन तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर की जाएंगी. ठीक है, एंड जो यूनेस्टेड में जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है अभी तक, 14 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है यूनेस्टेड की. यस, 14 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है. जो लास्ट कॉन्फ्रेंस थी वे 14th नंबर पे थी कॉन्फ्रेंस, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. 14th कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी है यूनेस्टेड की. एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है हर 4 साल में एक बार रखी जाती है. ठीक है, जो लोकेशन है वो कोई भी हो सकती है, लेकिन हर 4 साल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होती है, की जाती है. ठीक है, ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी. इसकी मैंने पूरी लिस्ट डाली हुई है, वे लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगी, और उसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट करना है वे भी मैं आपको बताऊंगी. इसलिए टेंशन मत लीजिए. ठीक है, आगे चलते हैं. जो यूनेस्टेड है इसने एक प्रिंसिपल अचीवमेंट करी डेवलपिंग कंट्रीज़ के फ़ायदे के लिए, वे था GSP, यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. यानी इस चीज़ के से डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला. अभी है क्या, देखिए, जो GSP है ये एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जो टैरिफ रिडक्शन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे. यस, नॉन रेसिप्रोकल. अब ये किया है, इसका मतलब ये है कि जो डेवलप्ड नेशन है यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई नीड नहीं है डेवलप्ड नेशन को GSP देने की. ये डेवलप्ड नेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये बेनिफिट देंगे. अब कैसे, इसका पूरा प्रोसीजर है ये मैं आपको बताने वाली हूँ. एंड जो GSP है ये हमारा MFN इस कंसेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है. MFN का मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन. जो GSP है इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज ऑप्ट की जाती है, यानी इसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनसे उनका जो उनको तो टैरिफ रिडक्शन मिलती है लेकिन डेवलप्ड नेशन को नहीं मिलती. लेकिन MFN के अंदर सभी कंट्रीज़ को इक्वली ट्रीट किया जाता है. ठीक है, मतलब MFN से बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है GSP का, और ये यूनेस्टेड की एक प्रिंसिपल अचीवमेंट है. इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए, यूनेस्टेड के अंदर ये चीज़ की आर्ग्यूमेंट हुई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन जो मैन्युफैक्चरर है डेवलपिंग कंट्रीज़, लाइक आप इंडिया लेके चलिए, उनके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उनको टैरिफ कंसेशन दिया जाए उनके एक्सपोर्ट्स पे. अब ये कैसे, इसमें एक बात हिडन है जो आपको पहचाननी है. सुनिए क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा. जैसे मान लीजिए जो डेवलप्ड नेशन है, अगर वे वहाँ पर टैरिफ और नॉन टैरिफ मीज़र्स को लगा देती है, टैरिफ और नॉन टैरिफ ड्यूटीज़ को लगा देती है, तो वहाँ के जो लोग होंगे वे हमारे इंडिया से सामान को इंपोर्ट नहीं करेंगे. अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो जो हमारी इंडिया है वह एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो इससे हमारी कंट्री को कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा. लेकिन GSP की वजह से ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रेवेंट हो गया, यानी इस चीज़ का फ़ायदा हमारे इंडिया को मिला. कैसे, अब ये सुनिए. मान लीजिए तो यही बात की गई, इसी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया गया और डेवलप्ड नेशन ने, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने GSP स्कीम को फॉर्मुलेट कर दिया. अब क्या है इसमें सुनिए, GSP स्कीम की वजह से, जो यूनेस्टेड की वजह से डेवलप की गई,
यानी यूनेस्टेड की वजह से जब ये स्कीम डेवलप्ड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया जीएसपी को, तो इससे क्या हुआ, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ टैरिफ में कंसेशन दे दिया। इसका मतलब क्या है कि डेवलप्ड नेशन ने कह दिया कि तुम जो भी सामान इंपोर्ट करोगे इंडिया से, तुम्हें उसके अंदर कुछ ड्यूटी का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिससे वे थोड़े फ्री हो गए इंडिया से गुड खरीदने में। अगर वे इंडिया से सामान को इंपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब जो हमारी इंडिया है वे एक्सपोर्ट करेगी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को, जिसके जिससे अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा, हमारी डेवलपिंग कंट्री को मिलेगा। तो इसमें यही चीज़ कही गई है। एंड इसमें एक बात और कही गई थी, वे क्या थी कि अगर डेवलप्ड नेशन टैरिफ कंसेशन दे रही है डेवलपिंग कंट्रीज को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री को ये कंसेशन देगी, नहीं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये सारा का सारा नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे हुआ था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। द यूनिस्टेड वॉज एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड अ फोरम वेयर द डेवलपिंग कंट्रीज कुड डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो यूनिस्टेड है ये इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी फोरम मिले, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वे सारी की सारी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। अब नीचे आप एक पॉइंट देख रहे हैं, देखिए जैसे जो गैट है, ठीक है, इसके अंदर इसको रिप्लेस कर दिया गया WTO ने, यानी WTO ने गैट को रिप्लेस कर दिया। और ये कब हुआ था, जब एक अर्गुए राउंड हुआ था जो कि 8th राउंड था, है ना। तो इसकी वजह से जो गैट है वे रिप्लेस होकर किस में आ गया, WTO में आ गया। दोनों में डिफरेंस क्या था, इसके अंदर जो है इसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी, इसके अंदर खाली गुड्स इंक्लूड थे, गुड्स, ठीक है। लेकिन WTO के अंदर गुड्स के अलावा सर्विसेज का भी एग्रीमेंट था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, राइट, आपको याद आया होगा कि सर्विसेज का इसके अंदर एक एग्रीमेंट था। और ये इसका जो स्कोप है WTO का, वे गैट से वाइडर है ना। जो WTO का जो स्कोप है वे गैट से वाइडर है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज टू हैंडल द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक है वे इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उनको इतने बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। इसलिए यूनिस्टेड आया और उसको एसोसिएट कर दिया गया 70s और 80s के अंदर, किसे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से उसको एसोसिएट कर दिया गया, रिलेट कर दिया गया। अब ये NIEO क्या है, इसमें सेट ऑफ प्रपोजल्स रखे गए जो कि डेवलपिंग कंट्रीज ने रखे थे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखी थी यूनिस्टेड की हेल्प से। तो पूरी की पूरी एक क्या बन गया, एक उसको एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको यूनिस्टेड के साथ क्या कर दिया गया, रिलेट कर दिया गया, लिंक कर दिया गया। अब मैं आपसे बात करूंगी कॉन्फ्रेंसेस की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एंड मैं अभी तक आपको सारा बता चुकी हूँ यूनिस्टेड का मतलब क्या है, ये क्यों आई, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन, इसके पीछे की हिस्ट्री, यानी सारा मैंने आपको इसके अंदर इम्पोर्टेंट बता दिया जितना आपको जानने के लिए ज़रूरी था। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंसेज की। टोटल 14 कॉन्फ्रेंसेज अभी तक प्रेजेंट में रखी गई है यूनिवर्सिटी में। एंड आपको ये याद रखना है कि जो हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वे कब थी और लास्ट कॉन्फ्रेंस कब थी, क्योंकि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है वे कौन सी थी और कहाँ पर, कौन सी कंट्री में थी, तो और कौन से ईयर में हुई थी, तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। कई बार आपसे रैंक भी पूछ सकते हैं कि जो लास्ट कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी की रखी गई वे कौन सी रैंक पे थी, तो आपको इस चीज़ का भी मालूम होना चाहिए। देखिए जो हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी तो सभी को मालूम है जिनेवा में थी 1964 में, यही से हमारा नाम क्या पड़ा, यूनिवर्सिटी पड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए अलग अलग जगह पर कॉन्फ्रेंसिस रखी गई, और जो आप गैप देख रहे हैं, देखिए हर 4 साल के बाद एक कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, देखिए गैप आप देख सकते हैं। लेकिन जो 4th और 5th नंबर पे कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर 3 साल का गैप आया, लेकिन फिर वापस में 4-4 साल का गैप कंटिन्यू होता गया और हर 4 साल में एक कॉन्फ्रेंस रखी जाने लगी, ठीक है। आगे देखिए जो लास्ट कॉन्फ्रेंस थी 14th नंबर पे, वे कौन सी कॉन्फ्रेंस थी आपकी, वे कॉन्फ्रेंस थी आपकी नैरोबी में, ठीक है, नैरोबी में आपकी वे कॉन्फ्रेंस थी, लास्ट 14th नंबर की कॉन्फ्रेंस जो कि कीनिया में है, और 2016 में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। करंटली जो हमारी यूनिवर्सिटी के मेंबर है वे 195 मेंबर है, जो कि मई 2018 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम बात करेंगे और एक बात और, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उनके अंदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप की, विच इज़ वेरी ऑल्सो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी क्रुशियल फॉर यू। देखिए
आपको पता है कि 195 मेंबर्स हैं टोटल, तो इतनी बड़ी लिस्ट याद करना इम्पॉसिबल है। अगर आप लर्न कर भी लेते हैं इतनी बड़ी लिस्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर के टाइम को आपको भी लिस्ट याद आए। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो मेंबरशिप है उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी एंड लिस्ट डी, एंड लास्ट वन इज वे मेंबर्स जिनको कोई असाइनमेंट, जो मेंबर्स असाइंड नहीं थे। तो लिस्ट ए के अंदर 100 मेंबर्स आते हैं, लिस्ट बी में आते हैं 31 मेंबर्स, लिस्ट सी में आते हैं 33 एंड लिस्ट डी में आते हैं 24। जो बाकी के 6 मेंबर्स रह गए वे मेंबर्स हैं जिनको अभी तक कोई मेंबरशिप असाइन नहीं हुई, वे प्रोग्रेस में है। एंड इसके अंदर दो कंट्रीज ऐसी है जो ऑब्जर्वर है, दैट इज पैलेस्टाइन एंड हॉलिसी, दोनों ही क्या है, ऑब्जर्वर है। तो आपको ये दोनों नाम लर्न होने चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मेंबरशिप का इतना ही है जो आपको लर्न करना है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, किस लिस्ट में कितने मेंबर आते हैं। एंड ये जितनी भी कैटेगराइज है ये बेस है बेस्ड ऑन UNRG, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन रीजनल ग्रुपिंग पर सारी की सारी लिस्ट जो है मेंबरशिप है कैटेगराइज की गई, इसको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई हो कि आपको यूनेस्टेड के बारे में जो बहुत ज़रूरी बातें थी वे मैंने आपको बता दी है पूरी इस वीडियो के अंदर। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे इसके फंक्शंस, मैं आपसे डिस्कस करूँगी एंड इसकी अचीवमेंट, तो ये दोनों ही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, अगर कोई डाउट आ रहा है कमेंट में पूछिए मुझसे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स जिससे उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।